तुम्हारी मम्मा बता रही है तुम मुझसे नाराज। नहीं, नाराज नहीं हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे। मैं कभी भी अपने लिए कोई गलत इंसान चूज नहीं करूंगी। बैठो। तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगा तुमने सादान के नंबर सारिम से नहीं लिया। हमारा अच्छा तो मुझे नहीं लगा, बल्कि सारिम को भी अच्छा नहीं लगता। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। अगर मुझे वाकई सादान से बात करनी होती तो मैं उसके ऑफिस से भी उसका नंबर ले सकता था। अच्छा किया तुमने सारिम से सादान का नंबर नहीं मांगा। मुझे यकीन है उसने तुम्हें नंबर देना भी नहीं था। फरकान, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जिस दिन वो हमारे घर आया था उसी दिन वो झूठा प्रूफ हो गया था। सादान कहीं गया ही नहीं था। जब उसने ये झूठ बोला उसके नेक्स्ट डे मैंने सादान के ऑफिस से पता कर लिया था। तो फिर उन लोगों ने आपसे झूठ क्यों बोला? मेरे पास इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है, शायद इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। ऐसी बात नहीं है पापा। तो फिर सारिम को तो सच बताना चाहिए था ना टीना। सारिम जिस कॉन्फिडेंस से मेरे सामने झूठ बोल रहा था, मुझे यकीन है कि उसकी फैमिली को इस झूठ गर्म नहीं है। ये सारी कारिस्तानी उसकी अपनी है और वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली यहाँ आए। पापा, आप लोग गलत अंदाजे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सारिम की नीयत में खोट होती तो वो आपसे मिलने क्यों आता? इस बात का जवाब तो सारिम ही दे सकता है। मुझे सारिम से कोई जवाब नहीं लेना है। लेकिन टीना, हमें जवाब चाहिए। सारिम ने तुमसे झूठ क्यों बोला? आप लोगों से कोई जवाब नहीं मांगे कि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारिम के इस झूठ की वजह जानती हो? जी जानती हूँ। और प्लीज, मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत जल्दी आएंगे हमारे घर। आप थोड़ा सा सब्र रखें प्लीज। टीना रुको मत, दिया बैठ। अभी वो कुछ भी नहीं बताएगी तुम्हें।